यू गाइज वेलकम बैक टू टॉयज एंड इंडिया। टॉयज एंड इंडिया में मैं सौम्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टॉयज एंड इंडिया में मैं आपके बच्चों के लिए, 2 से 12 साल के बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़, टॉयज, गेम्स लेकर आती हूँ एंड सब आपको डिस्क्राइब करके बताती हूँ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट बच्चों में होता है उन एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो यस, आज भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी 4 एक्टिविटीज़ आपके बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। तो यस, लेट अस स्टार्ट। बट यह आई होप आप लोगों का संडे बहुत अच्छा जा रहा होगा, मेरा भी अच्छा जा रहा है एंड लेट अस स्टार्ट। सो पहला मेरे पास है बहुत ही अमेजिंग सा 4 से 12 साल के बच्चों के लिए, ये स्लाइड एंड मैच करके ये गेम है। लुक एट दिस, इस तरीके से ये गेम आता है, काफ़ी पोर्टेबल है, आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हो, अपने पर्स में डाल लोगे, वॉलेट में डाल लोगे, या फिर ट्रेन्स में आप ट्रैवल कर रहे हो तो इन्हें ले जा सकते हो। तो बच्चे वेकेशंस पे जा रहे हैं तो ईज़िली कैरी कर सकते हैं अपने बैग्स में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक पज़ल गेम है, चैलेंजेस होते हैं कई सारे एंड इनको सॉल्व करना होता है। साथ में एक मैनुअल मिल जाती है, कैसे खेलते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, और इस मैनुअल में तो लिखा ही होता है, और ये गेम की मैनुअल होती है। सबसे ख़ास बात, इसकी सबसे अच्छी बात है, इस एक्टिविटी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैलेंजेस नहीं, इनफैक्ट इस एक्टिविटी में आपको ऑलमोस्ट पूरे 70 चैलेंजेस आपको इस एक्टिविटी में मिल जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं आपका बच्चा इस एक्टिविटी से कितने लॉन्ग टाइम के लिए इंगेज्ड रहेगा, और एक्टिविटी खेलते कैसे वो मैं आपको बता दूँ। बहुत ही फन गेम है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो नेम ऑफ द गेम इज स्लाइड एंड मैच, और 8799576722 पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर टू ऑर्डर और टू आस्क फॉर एनीथिंग अबाउट दिस गेम। सो ये था स्लाइड एंड मैच, परफेक्ट फॉर 4 से 12 साल के बच्चों के लिए, एकदम परफेक्ट सा गिफ्ट भी है, अमेजिंग सा गेम है। मैं आपको जल्दी से क्विकली एक सॉल्व करके बता देती हूँ चैलेंज। तो चैलेंजेस आप देख सकते हो, यहाँ कई सारे चैलेंजेस निकले हैं। आई वुड लाइक टू सॉल्व सम इंटरेस्टिंग सा कुछ चैलेंज दिख जाए तो यस, मैं ये करती हूँ। ये चैलेंज आपको दिख रहा है राइट? हाँ, इधर रेड रेड ग्रीन एंड इधर येलो 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 एंड ब्लू ब्लू एंड रेड ग्रीन, कैसे करते हैं मैं बताती हूँ आपको। बहुत इजी टू कैरी, पोर्टेबल सा गेम है, बहुत ही अच्छा छोटा सा गेम बोर्ड और बहुत अमेजिंग सा चैलेंज। चैलेंज सॉल्व करने के लिए अच्छा, इसमें मैं मूव करूँगी, दैट इज़ ट्रू, मैं इसे चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, दैट इज़ ट्रू, बट जितने मिनिमम स्टेप्स में ये चैलेंज हो जाए उतना बढ़िया, मतलब आपका उतना ही स्किल डेवलप हो रहा है बच्चे में। तो ऑलवेज मतलब ये आपके साथ गेम, ये रिपीटेबल रीयूजेबल है, सालों साल तो आपके साथ रहेगा ही ये गेम। पर जब भी बच्चा एक चैलेंज अगर कंप्लीट भी कर लेता है, उसे इंकरेज कीजिए यही चैलेंज को, और कम स्टेप्स में किया जा सकता है क्या। दिस गेम रिटेल्स फॉर 279। मैं अभी शुरू करती हूँ, तो ऑन द लेफ्ट साइड इज़ अ रेड ग्रीन, रेड रेड ग्रीन राइट, रेड ओके रेड रेड ग्रीन फाइन, इधर होगा ग्रीन, सो कैन यू सी, तो ग्रीन यहाँ हो गया है, इसके ऊपर रेड और रेड है, तो लेट मी ऑल्सो ब्रिंग रेड एंड रेड, रेड रेड ग्रीन हो गया है। नेक्स्ट इज़ येलो रेड ग्रीन, येलो रेड ग्रीन आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ग्रीन ऑलरेडी है और रेड लाना है राइट मुझे, तो पहले रेड को बाहर ही निकाल लेती हूँ, येलो रेड ग्रीन, आई होप यू ऑल कैन सी, येलो रेड ग्रीन के बाद है मुझे येलो 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 पूरे में लाना है, बट देन इधर लाना है ग्रीन और ब्लू ऑन इन एन ऑपोजिट ऑर्डर, तो ग्रीन और ब्लू हो गया, फिर आ जाएगा यहाँ येलो एंड देन ब्लू ब्लू येलो, ये लो आप देख सकते हो ये चैलेंज था, ये दिस वाज द चैलेंज, और ये मैंने कंप्लीट किया है। सो इतना इंटरेस्टिंग सा गेम है, इसे और मिनिमम स्टेप्स में भी किया जा सकता है। आप अपने बच्चों को जब भी ये बोर्ड गेम पकड़ा है तो एंकरेज देम टू यूज़ मिनिमम स्टेप्स। 70 चैलेंजेस है, मतलब काफ़ी टाइम तक बच्चा इंगेज रहेगा, काफ़ी टाइम, काफ़ी महीनों, काफ़ी सालों तक,
और गेम की क्वालिटी बहुत अच्छी है. तो फॉर 279 यू आर गेटिंग अ गेम दैट इज़ गोइंग टू बी देयर ऑलवेज विद यू, क्योंकि इसे कबर्ड में रख दो, कहीं भी रख दो, टूटने टाटने का कोई टेंशन नहीं है. क्वालिटी अच्छी है, रिपीटेबल रीयूजेबल एक्टिविटी गेम है. तो यस, एक ये गेम हो गया. दिस इज स्लाइड एंड मैच. आप इस व्हाट्सएप नंबर पर स्लाइड एंड मैच करके क्वेरी डाल सकते हो. एंड दिस इज फॉर 279. ओके, सो दिस वॉज वन गेम. अब नेक्स्ट मैं एक पजल गेम दिखा दूँ, इंटरेस्टिंग सी पजल गेम भी. जस्ट सी, पजल गेम ऐसी वैसी नहीं है, इट इज़ अ क्यूब पजल गेम. तो आपको क्यूब्स मिल जाते हैं और ये क्यूब्स आपको फोल्डेबल आते हैं, लाइक आपको इस तरीके से आते हैं ये गेम, ये क्यूब्स. तो आप इन्हें फोल्ड करके क्यूब्स बना सकते हैं. और क्यूब पजल की खासियत रहती है कि आपको क्यूब पजल में जिगसॉ पजल जो रहता है उसमें एक पिक्चर पजल मिलती है. क्यूब पजल में क्योंकि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो एक क्यूब पजल से आपको 6 डिफरेंट पिक्चर्स पिक्चर पजल्स मिल जाती हैं. तो इस तरीके के ये एक क्यूब पजल आती है व्हीकल वाली. और आपको बनाने का तरीका, क्यूब को 4 से 12 साल का बच्चा है तो एंकरेज हिम कि खुद ही वो क्यूब बनाए इन फ्लैटेंड आउट पीसेस का. तो क्रीजेस दिए हैं, सब कुछ दिया है, रेडी टू मेक एकदम है. तो बच्चा आपका जब भी खुद ही एक्टिवली इंगेज करेगा तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं. तो यस, 4 से 12 साल के बच्चों को इंकरेज कीजिए कि दे फोल्ड द क्यूब बाय देमसेल्व्स. एंड उसके बाद ये एक एक्टिविटी इसी में हो जाती है. उसके बाद आपको पिक्चर पजल्स तो मिलती ही हैं, तो 6 अलग अलग पिक्चर पजल्स मिल जाती हैं और वो भी अलग अलग व्हीकल्स की. तो कुछ डिफरेंट हो जाता है, ओनली एनिमल्स ओनली पिक्चर्स नहीं. तो ये देखो अलग अलग व्हीकल्स की, तो फेमिलियरिटी भी बढ़ती है. आप देख सकते हो, एक आपको कार दिख रही है, एक आपको जेसीबी दिख रहा है इफ आई कैन से दैट, एंड एक स्कूल बस दिख रही है, स्कूटर दिख रहा है, एम्बुलेंस दिख रही है, एंड यस प्लेन दिख रहा है, सो बुलडोजर. ओके, तो फिर अभी मेरे को 6 क्यूब्स यहाँ पर रेडी मिले हैं. मैं जल्दी से आपको एक कोई भी पिक्चर बना के दिखा देती हूँ. तो इसके बाद भी मेरे पास बहुत कुछ है. दीज एक्टिविटीज़ आप ना बस नाम लिखते जाना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन, और 8799576722 पर. एंड देखोगे ये भी रिपीटेबल एक्टिविटी है, मतलब ऐसा नहीं एक बार पिक्चर पजल खेली तो बस बंद, खेली हो गया, आप अच्छे से फोल्ड करके वापस से उसे फ्लैटन आउट कर दीजिए एंड यू कैन यूज़ इट एनी टाइम. कभी भी आगे ज़रूरत पड़े तो यू कैन अगेन यूज़ इट. तो मैं बनाती हूँ, मैंने बहुत टाइम से ये बुलडोज़र नहीं बनाया, लेट मी मेक दिस इफ इट इज़ कॉल्ड समथिंग एल्स एंड प्लीज़ गिव मी. तो यस, ये मैं बनाती हूँ. आई एम लुकिंग एट द पिक्चर. पहले इसके फेस अप ले लेती हूँ सारे. फेस अप मैंने ले लिए, कलेक्ट कर लिए, आप देख सकते हो. अब भी इसे पिक्चर को देख के मैं बनाऊँगी. इजी एंड फन. एम आई रॉन्ग एनी वेयर? आई डोंट थिंक, बट यस, डन 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 डन. सो दिस इज द JCB, यू कैन से कंपनी प्रॉपर हो गई तो JCB. और मैंने ये ऑफ रोड व्हीकल बना दिया है. सो ये एक पिक्चर पजल थी, क्विकली दूसरी भी बना देती हूँ, 6 बन जाती हैं. दूसरी आपको बना के दिखा देती हूँ. ये आपको 199 का पड़ जाएगा, काफ़ी टाइम तक रख सकते हो. 6 पिक्चर पजल मिल जाती हैं, रिपीटेबल रीयूजेबल है, बहुत सारी स्किल्स, कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर, इमेजिनेशन, अटेंशन, सब इतनी सारी स्किल्स आपके बच्चों की डेवलप होती है. ये सारी जो एक्टिविटीज़ मैं आपके पास लेकर आती हूँ, दीज आर ऑल डिज़ाइन बाई चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स ऑलवेज लाइक दे फोकस ऑन कि कोई भी एक्टिविटी अगर वो डिज़ाइन कर रहे हैं तो इट वर्क्स ऑन डेवलपिंग और इम्प्रूविंग स्किल एरियाज. 17 स्किल एरियाज डिफाइन किए गए हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों में. तो यस, थ्रू दीज एक्टिविटीज़ आप उन स्किल एरियाज़ को इम्प्रूव कर सकते हो. स्किल एरियाज लैंग्वेज लिटरेसी, सोशल इमोशनल, ये सारे एरियाज में कई सारी स्किल्स हैं. तो वो छोटे बच्चों को कैसे डेवलप कराए, बोलने से नहीं करेंगे, टीवी देखने से नहीं होगा. बट यस, अगर वो खुद परफॉर्म करते हैं कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो उनकी ही एज अप्रोप्रिएटली डिज़ाइंड है, बहुत टफ या बहुत ईजी नहीं हो जाती हैं,
एंगेज्ड रखती हैं सारी ये एक्टिविटीज़, और प्लेफुल होती है, गेम की तरह फन वे ऑफ लर्निंग हो जाता है। तो वो सारी स्किल्स इस तरीके से इतने इंटरेस्टिंगली और इतना एंगेज होके आपका बच्चा डेवलप करता है। और चलो मैं जल्दी से प्लेन और एक बना के दिखा देती हूँ आपको। तो इन गेम्स के थ्रू कैसे आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया भी है, और प्लस आप ऑब्वियसली यू कैन सिखा भी देते हो इन सारी चीज़ों से, कुछ अलग हटके उसे सीखने को मिल जाता है। तो पिक्चर लेट मी सी। जल्दी से बना लूँ भाई। तो ये मेरा बन गया है, ये भी मेरा बन गया है। इधर मुझे इसे ऐसे लाना है, एंड यस, एक और आपके पास। एम आई राइट और नॉट? यस, आई वाज राइट। ये आपको प्लेन दिख रहा है, ये भी बन जाएगा। 6 पिक्चर पजल्स एंड दिस इज द सेकेंड वन जो मैंने ड्रॉ की। बाकी आप 199 की है, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस नंबर। नोट डाउन दिस नंबर, 8799576722, एंड यू कैन प्लेस योर ऑर्डर्स। दिस वॉज क्यूब पजल, व्हीकल क्यूब पजल, 4 से 12 साल के बच्चों के लिए बहुत ही परफेक्ट सा एक एक्टिविटी गेम, और दिस इज़ फॉर 199। एंड अब भी आप ये प्राइस पे मत जाना, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका बताऊंगी अपनी परचेजेस को, और आप डिस्काउंटेड प्राइस पे कैसे ले सकते हो ये सारे जो एक्टिविटीज़ और गेम्स में। तो स्टे ट्यून्ड। ओके, तब भी मैं एक जल्दी से बहुत इंटरेस्टिंग सा कार्ड गेम और दिखा देती हूँ। तो दिस कार्ड गेम इज़ स्मार्टो फ्लैश, बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए कार्ड गेम है। इस तरीके का मैनुअल आता है, 55 अलग अलग कार्ड्स मिलते हैं। तो यू कैन सी क्वालिटी वाइज जो प्रोडक्ट्स जितने भी एक्टिविटीज़ लाई हूँ, दे आर वर्थ द प्राइस, वर्थ क्वालिटी बहुत अच्छी है। रिपीटेबल रीयूजेबल एक्टिविटीज़ हैं सारी, सारे ही गेम्स। तो देख सकते हो ये आपको मिल जाते हैं, कार्ड्स मिल जाते हैं 55। और ये स्मार्टो फ्लैश ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करते हैं, आई टेल यू क्विकली। मैं एक गेम प्ले आपको बता देती हूँ। तो ये स्मार्टो फ्लैश एक कार्ड गेम हो जाता है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। इसमें आप देखोगे ना, तो मैनुअल में वैसे सब कुछ स्टेटेड है, कैसे खेलने का तरीका, ये सब कुछ बताया गया है। बट मैं भी आपको इधर क्विकली बता देती हूँ। आप इसमें देखोगे, इन कार्ड्स में ना आपको ये दिख रहा है, ये डायमंड है ब्लू कलर का, और 4 काउंट है। तो आपको 3 चीज़ें हैं, एक तो ये पैटर्न उस पर क्या बना है, क्या ड्राॅइंग है, क्या पिक्चर है, प्लस कितने काउंट, मतलब 4 है, एंड कलर कौन सा है ब्लू। ऐसे ही अगर मैं इधर देखूं तो डायमंड ही है, बट देन देयर आर 5 डायमंड, कलर भी सेम है, इसमें कलर डिफरेंट हो गया, वह 5 डायमंड। और फिर अगर मैं और देखूं, शफल करूंगा तो ट्री भी है। ऐसे करके एक अलग अलग शेप्स इसमें दी गई हैं। इधर जैसे फ्लावर दे दिया, इधर हर्ट दे दिया, इधर डायमंड दे दिया, इधर ट्री दे दिया, अलग अलग कुछ शेप्स दी हुई हैं। हर कार्ड पे अलग अलग काउंट भी है, इधर 5 है, इधर 3 है, अलग अलग कलर भी है, इधर ब्लू है, इधर येलो है, इधर पर्पल है, इधर रेड है, इधर ग्रीन है। तो इसी बेसिस पे कई सारे गेम्स बन जाते हैं, ये मल्टीप्लेयर एक गेम हो जाता है। तो इसे 2 बच्चे खेल सकते हैं। तो आपने ये जैसे कार्ड लिया, एक क्विकली एक छोटा सा तरीका दिखा देती हूँ कैसे खेलते हैं। आप इन्हें पहले शफल अच्छे से कर लेना, शफलिंग इज़ नेसेसरी। जब भी ये गेम प्ले आपको रिसीव हो, आप इसे शफल कर लोगे, एंड देन आप इक्वल पाइल में, सपोज मेरे सामने कोई प्लेयर एक खेल रहा है, इक्वल पाइल में मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और अपना जो फर्स्ट कार्ड है उसे ऐसे डिस्प्ले पे रख दिया। एट अ टाइम आपको बस 3 कार्ड अपने हाथ में लेने हैं। तो दीज आर योर 3 कार्ड्स एंड दीज आर माई 3 कार्ड्स। ओके, मैक्सिमम 3 कार्ड्स ही आप लोगे। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। और आपको जो सामने जो जो आपके ये कार्ड्स हैं फेस अप, उनके उनको आपको अपने हाथ में जो कार्ड्स हैं, आपकी पायल में जो कार्ड्स हैं, उनको रिमूव करके इसके अकॉर्डिंग, या तो ये 5 आपको मिल जाए, जैसे यहाँ पे रेड है,
ट्री है और 5 नंबर है, तो कुछ ना कुछ सिमिलर या कॉमन होना चाहिए। या तो मुझे रेड कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट दिख जाए, कोई भी कार्ड दिख जाए तो मैं इधर रख सकती हूँ, या तो मुझे 5 काउंट का कोई भी कार्ड दिख जाए तो मैं इसे रख सकती हूँ यहाँ पे, या फिर तो मुझे ट्री शेप का कोई भी कार्ड दिख जाए तो मैं रख सकती हूँ। तो ये जल्दी जल्दी से खेलना होता है। जैसे फिलहाल मुझे इधर डायमंड है तो मुझे डायमंड दिख गया, मैंने प्लेस कर दिया, और ट्री है तो ट्री दिख गया मुझे। अपने हाथ में मैक्सिमम एक टाइम पे 3, अब कुछ नहीं दिख रहा है, तो जैसे ये 5 अगेन 5 भी मैंने प्लेस कर दिया, ऐसे करके आपको सेकेंड प्लेयर भी यही साइमल्टेनियसली करता जाएगा। तो जिसका पाइल, जो ये पाइल है वो सबसे पहले फिनिश होगा, ही और शी विंस द गेम। इस तरीके से ये बहुत ही मतलब खेलते खेलते बच्चे गेट वेरी लाउड एंड बहुत फन एक्टिविटी है, बहुत इंगेजिंग सा कार्ड गेम है। एंड यस डेफिनेटली बहुत सारी स्किल एरिया पे फोकस करता है। और अच्छी खास बात क्या है, आपको मैनुअल के साथ एक पीछे स्कैन करने के लिए QR कोड मिलेगा, जिससे आप स्कैन करोगे तो आप वो वीडियो पर डायरेक्ट हो जाओगे जिसमें इसे खेलने के, ये मैंने एक तरीका बताया, इस गेम को 3-4 तरीकों से भी खेला जा सकता है। तो आपको बस स्कैन करना है एंड यू विल बी राउटेड टू अ वीडियो जिसमें अलग अलग इसके गेम प्लेस बताए होंगे। तो दिस इज़ स्मार्टो फ्लैश, दिस इज़ फॉर 249 आई गेस, यस 249। और आपको परचेसेस कैसे सस्ती करनी है तो वो भी मैं तुरंत में बता देती हूँ। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है दीज आर फ्रॉम स्मार्टो किड्स, और स्मार्टो किड्स की अगर आप कोई भी एक्टिविटी परचेज करते हो तो आई वुड प्रेफर ये दैट यू इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ तो उनकी वेबसाइट पर एक्सक्लूसिवली मिलती हैं, बाकी आपको मिनी एक्टिविटी सेट्स जो हैं या बॉक्सेस होते हैं कॉम्बो, वो आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई सब जगह मिल जाते हैं। बट इंडिविजुअल सेट आप वेबसाइट से परचेज करो। तो यस, वेबसाइट पे जब भी आप जाओ आप साइन अप करना मत भूलो। आप एक बार साइन अप करोगे आपको ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो पहले विजिट ही कर लोगे तो भी कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं साइन अप करने के, और फिर उसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं जैसे फेसबुक पेज फॉलो और इंस्टाग्राम पेज लाइक, या फिर कुछ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं तो उनसे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स जो मिलते हैं ना उन्हें आप कूपन में कन्वर्ट करके अपनी जो भी परचेजेस है, सपोज ये 249 का है तो हो सकता है आपके 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स को 400, दैट इक्वल्स टू आई गेस 40 कॉइन्स और 40 पॉइंट्स, तो फिर आप उन्हें डिस्काउंट में यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको 249 की एक्टिविटी ओनली फॉर 209 आपको मिल जाता है। उससे भी इंटरेस्टिंग बात क्या, जब भी आप वेबसाइट से कुछ भी परचेज करो तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। आपको क्या करना होता है, आपको जब भी आप कुछ पहला परचेज कर रहे हो तो आपको एक परचेज के टाइम पे एक लिंक मिल जाती है। अगर उस लिंक को आप अपने सर्कल में शेयर करते हो, जैसे जो कोई और मम्मी या पापा अपने बच्चों के लिए कुछ गेम्स देख रहे हैं उनके उनको अगर आप रेकमेंड करते हो और अपनी लिंक शेयर करते हो, अगर उस लिंक के थ्रू कोई परचेजेस होती हैं, एक बार नहीं कितनी भी बार कोई परचेजेस होती हैं, मतलब एक अकेला इंसान भी, जैसे मेरी अगर मैंने लिंक दिया आपको, रेफ़र किया आपको, तो आप उससे पहला परचेज करोगे उसका कमीशन मुझे कुछ आता है कैशबैक की तरीके से। इनफैक्ट पहला ही नहीं, आप जितनी बार जो कुछ भी परचेज करोगे उसका कुछ % कैशबैक मुझे मिलता है। नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली, अगर मैं आपको रेफ़र करती हूँ आप दूसरे को रेफ़र करते हो और वो दूसरा बंदा कुछ भी ख़रीदता है तो भी मुझे कुछ अमाउंट ऑफ कैशबैक, मुझे यस आपको तो होगा ही होगा, मुझे भी कुछ अमाउंट ऑफ कैशबैक अर्न हो जाता है। तो फिर बहुत सारी परचेजेस ऐसे आप बहुत सारी टाइम बहुत सारा कैशबैक्स कलेक्ट कर लेते हो इफ़ यू आर रेफरिंग राइट। अलग अगर सही तरीके से आप अपना लिंक स्प्रेड कर रहे हो तो यस जितनी भी परचेजेस होंगी यू अर्न फॉर एवरी परचेज। तो आप अपने बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ बहुत ही कम प्राइस पर ले लेते हो। तो दिस वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल कि अगर आपको कुछ भी, जैसे मैंने बताया स्लाइड एंड मैच गेम 279, आपको हो सकता है या 200 में भी मिल जाए, ये 239 में भी मिल जाए। तो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ एक्टिवली यू आर ऑन द वेबसाइट, कैसे अकाउंट क्रिएट करो, साइन अप करो, कैसे पॉइंट्स कलेक्ट करो। सो यस दिस विल हेल्प। ये अभी ये क्यूब पजल थी फॉर 199, स्मार्टो फ्लैश अमेजिंग सा कार्ड गेम फॉर 249, एंड अब भी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम लाई हूँ, डोमिनो गेम्स। ओके बैक टू आर एक्टिविटीज़, डोमिनो ट्रेन्स बनानी होती हैं इसमें बच्चों को। तो इसमें देखो शेप डोमिनोज है, इसमें आपको वेबसाइट पर एनिमल डोमिनोज में मिल जाएगा, कई सारे बहुत सारे डोमिनोज मिल जाएंगे, बट जो मैं आज लाई हूँ दैट इज़ शेप डोमिनोज। तो आप देख सकते हो इसमें मुझे 28 कुछ शेप डोमिनोज निकल के आते हैं, क्वालिटी सुपर सुपर, आई मीन सुपर, नो कंप्लेंट्स फ्रॉम क्वालिटी।
28 शेप डोमिनोज मिल रहे हैं, क्योंकि शेप डोमिनोज में मुझे इधर आपको दिख रहा है, इधर ब्लू कलर का स्क्वायर है, इधर येलो कलर का स्क्वायर है, ऑन द बैक साइड एक स्क्वायर है और एक हेक्सागन है। तो इस तरीके से आप बच्चों को सिखा तो सकते ही है कि शेप्स कौन कौन सी अलग अलग हैं। तो सर्कल मिल जाएगा इधर, हेक्सागन अगेन, अंदर रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे। तो इसको खेलने का तरीका क्या है, आपको अगर एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, आप तो देख सकते हो इसमें या तो शेप्स कॉमन है, या तो आप कह दो कि कलर कुछ ना कुछ कॉमन है, राइट। तो इस तरीके से आपको ट्रेन जो बनानी होती है, ये मल्टीप्लेयर भी है, सिंगल प्लेयर भी है, तो ट्रेन बनानी होती है, डोमिनो ट्रेन्स, तो वो आप दो तरीक़ों से बना सकते हो, या तो सेम कलर या तो सेम शेप। तो लुक एट दिस, जैसे मैंने ये पहला कार्ड रखा, इधर पेंटागन है, इधर रेक्टेंगल है, और इधर मुझे रेक्टेंगल और स्टार मिल जाता है। तो रेक्टेंगल रेक्टेंगल मैच किया, तो आई कैन मैं इसे रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से ज्वाइन कर दूंगी, ट्रेन बना दूंगी, जिसकी ट्रेन सबसे लंबी पड़ेगी, एंड देन आई गॉट अ स्टार। अगर खेल रहे हो तो इधर आपको सेम कलर के बेसिस पे खेलना पड़ता है, नहीं तो आपको सेम शेप के बेसिस पे खेलना पड़ता है। तो मैं शेप बेसिस पे खेल रही हूँ, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, स्टार स्टार, एंड सर्कल सर्कल, और ये एक बच्चा कैसे खेलेगा, देन सर्कल इफ आई एम गेटिंग अगेन। तो अगर ये हो गया एक बच्चा कैसे खेलेगा, दो बच्चा है तो दो बच्चे हैं, आई एम सॉरी, तो पायल्स इक्वली डिवाइड कर दो, और जल्दी जल्दी इज इट लाइक पायल्स डिवाइड कर दो, हाँ पायल्स आप डिवाइड कर दो इक्वली, और फिर आपको साइमल्टेनियसली एक एक साथ करके अपनी जिसकी ट्रेन सबसे ज़्यादा लंबी बनेगी, ही और शी विंस द गेम। सो दिस वॉज शेप डोमिनोज, आई होप यू लाइक ऑल द एक्टिविटीज़ दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू टूडे। कोई भी एक्टिविटी चाहिए हो तो दिस इज शेप डोमिनोज, स्मार्ट हो फ्लैश कार्ड गेम, क्यू पजल, स्लाइड एंड मैच, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको, यू जस्ट हैव टू गो एंड DM ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर 8799576722। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दर वेबसाइट एक्सक्लूसिवली, क्योंकि www.smartokids.com आपको ना उस वेबसाइट पर आपको 2 से 12 साल के बच्चों के लिए अलग से क्लासिफाइड, 2 से 3 साल के बच्चों के लिए कौन सी एक्टिविटीज़, 3 से 4, 5 से 6, 4 से 8 या फिर 4 से 12, अलग अलग एज ग्रुप के लिए परफेक्ट सा एक्टिविटीज़ का कलेक्शन आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग एक्टिविटी बॉक्सेस भी मिल जाएंगे, कॉम्बो बॉक्सेस भी मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं। लाइक कई सारे कॉम्बोज़ में ये जब भी आती है तो आपको जैसे 2-3 एक्टिविटीज़ और मिल जाती हैं, तो इफ़ेक्टिव जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाता है। तो आई विल सजेस्ट कि कॉम्बोज़ भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत वर्थ इट कॉम्बोज़ हैं। एंड ऑल्सो स्मार्टो किड्स के बारे में जब भी, अब अगर मैं आपको एक्टिविटीज़ का बताती हूँ, तो रिमेंबर दिस ब्रांड हैज़ ऑलरेडी टच्ड लैक्स ऑफ पेरेंट्स, 1 लाख से ज़्यादा पेरेंट्स हैव ऑलरेडी यूज्ड इट एंड लव्ड इट। आप Amazon पर जाकर रिव्यूज़ चेक कर सकते हो, यूल फाइंड मोर देन 5,000 रिव्यूज़ ऑफ पेरेंट्स दैट दे आर सो हैप्पी विद दीज एक्टिविटीज़, हाउ एंगेज्ड देयर चाइल्ड इज़, how playfully he or she has begun and not, he's like, he's being active and not being lazy. Also, this brand has reached to over like 20,000 countries, 20,000, I'm sorry, 20,000 cities in India. So, 20,000 plus cities mein already they have delivered their products, and I hope you become one of them too. आप भी खरीदो, आप भी अपने बच्चों के लिए खरीद के बताओ यूज़ करके कि हाउ यू फील अबाउट दीज एक्टिविटीज़, और मैं जितनी एक्टिविटीज़ आज लेकर आई हूँ, प्लीज़ टेल मी आपको कौन सी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो येस, आई फील नाइस उस टाइप की एक्टिविटीज़, और किस टाइप की एक्टिविटीज़ आप देखना चाहते हो वो भी मुझे बताते रहो। With that, I would like to end this video right here, and I hope you have a great Sunday, and yeah, bye bye, take care.